करें। तेरी शरण में आया मैं बाबा तेरी, मेरी बात रखना। और क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आता है ना सबको, उठा लो ना हाथों को, मिलकर बोलो एक साथ में, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। तेरे द्वारे आया मैं बाबा, तेरी शरण में आया मैं बाबा, तेरे द्वारे आया मैं बाबा, तेरी शरण में आया मैं बाबा, बात रखना, मेरी लाज रखना। कैसे निभेगी अपनी यारी, कैसे निभेगी अपनी यारी, बन के भिखारी आया मैं बाबा, अरे बन के भिखारी आया मैं बाबा, बन के भिखारी आया मैं बाबा, छोली भरना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। किसने किसने झोलियां भरवानी है, पूरे पूरे हाथ उठाकर एक साथ तालियां बजाकर मिलकर, एक दो तीन चार, बोलिए झोलियां भरने वाले की। दर पे देना ठिकाना, बोलो बोलो, देना ठिकाना, और बुरे कर्म से हमें बचाना, बुरे कर्म से हमें बचाना, बन के सवाली आया मैं बाबा, अरे बन के सवाली आया मैं बाबा, मेरी बात रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। जिसका भी कोई सवाल है बाबा से, आज भजन के माध्यम से सुना देना, विश्वास दिलाता हूँ आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, मेरा बाबा देगा। किसको किसको भरोसा है, ये तालियां बजाकर एक बार वरदा से तालियों की आवाज सुनाई पड़े, एक बार मिलकर एक साथ में, एक दो तीन। तू क्या जाने खड़ा है कोने में इकदा शाम, तू हसरत से वो तुमको देखे, हसरत से वो तुमको देखे, करे यही अरदास शाम, तू क्या जाने खड़ा है कोने में इकदा शाम, तू क्या जाने खड़ा है कोने में। सुनो प्रेमियों, जब ये तालियां बजाए ना तो आपका ये गद्दा जो है ना थोड़ा हल्का होना चाहिए, तालियां बजाओ ना एक बार सुनाओ। ये कौन मार रहा है, गिटार वाला क्यों पंच देते हो यार, तालियां बजाकर एक साथ है। एक अच्छा देख, देखो बाबा जिसकी तालियां आपको आपको सुनाई पड़ जाए ना उसको ताली देनी है आपको, कौन सी ताली चाहते हो, पूरे हाथों को उठाकर तालियां बजाकर, ए दो तीन चार।
हाथ जोड़ कर तुम्हें मनाऊं, बोलो बोलो, तुम्हें मनाऊं, आंख के आंसू भेंट चढ़ाऊं, आंख के आंसू भेंट चढ़ाऊं। बनवारी इन मोती समझ कर, बनवारी इन मोती समझ स्वीकार करना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। तेरे द्वारे आया मैं बाबा, तेरी शरण में, तेरी शरण में मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज। अच्छा देखो, यहां तक तो मैंने गाया, ये भजन खत्म हो गया। वर्धा में कौन कौन गाना चाहता है? मैं माइक में नहीं बोलूंगा, पूरे हाथ उठाकर, पूरी ताकत लगाकर मैदान गूंजना चाहिए। क्या बोलेंगे? मेरी लाज, और जोर से, अरे तेरे दुआ तेरी शरण में, अरे तेरे दुआ तेरी, मेरी बात रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। बोलिए लाज बचाने वाले की। ये लाइट को बंद करो यार, इस लाइट को क्यों मार रहे हो यहां पर? बोलो खाटू, आप लोग गा रहे थे। देखो मेरे को कोई अधिकार तो नहीं है, लेकिन आपको मैं जरूर बोलूंगा कि जब भी किसी का भजन गाओ ना, तो जिसका भोग है ना, वो भोग जरूर लगाएगा। जिसने लिखा है भजन, उसने आपसे क्या मांगा? कुछ लिया आपसे? बल्कि उसका भजन गाकर आप प्रभु के चरणों में अपनी अर्जी रख रहे हो। तो कभी भी किसी भी राइटर का भजन गा हुआ, तो उसका नाम, भले ही अगर चार अंतरे हैं, आपको दो गाने हो, तो आखिरी अंतरा जरूर गाया करो, ताकि उसकी भी हाजिरी बाबा के चरणों में लगे। साथी हमारा कौन बनेगा, मैं आपको बताऊं, ये मेरे ख्याल से 30 साल पहले या उससे भी 2-4 साल पहले आदरणीय कलकत्ता के हमारे जयशंकर जी चौधरी जी, बनवारी जी के नाम से, जो कि उनके पिताजी का नाम था, उस नाम से वो भजन लिखते थे। आज भी भजन लिखते हैं और आज भी गाते हैं, और ये सब भजन नहीं है, महामंत्र है। हम लोगों ने उस समय उनका कोरस किया है, उनके साथ जब वो गाते थे तो हम लोग उनका कोरस करते थे। ऐसी विभूतियां जो कि बाबा के श्री चरणों के अंदर में, इनको संपूर्ण सम्मान जरूर मिलना चाहिए बेटा, जरूर याद रखना। बोल सांचे दरबार की, बोल खाटू नरेश की, आइए। एक भजन और वो गा रहा हूं जो आपको सबको आता है, ताकि सबको, सबको मिलकर हाजिरी लगाएं। जब कोई नहीं आता, कौन आता है? अरे नहीं, लाइन मत गाओ, कौन आता है? जोर से बोलो, कौन आता है? जब कोई नहीं आता तो मेरे श्याम आते हैं, बोलो। जब और आकर क्या करते हैं, आकर क्या करते हैं, पूरे पूरे हाथ उठा लेना, पूरे पूरे, और मिलकर मेरे साथ गाना। मेरे दुख के दिनों में वो तड़का में आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो तड़का में आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता,
दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो तड़काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो तड़काम आते हैं। ये तालियां बजाकर जिनके जिनके लिए आए हैं ये मिलकर एक साथ में, एक दो तीन चार। चलती है पतवार नहीं होती, बोलो। किसी ने पूछा भाई कैसे काम आया, हम लोग कह देते हैं ना, कोई रिश्तेदार अगर हमें कोई मुसीबत में 150,000 दे देता है तो हम उसके जिंदगी भर गुणगान करते हैं कि इसने मुझे ये दिया। हालांकि कोई देता नहीं है आजकल में, लेकिन इसने 150,000 नहीं दिए, एक बार देकर पल्ला नहीं झाड़ा, एक बार देकर पल्ला बल्कि वो करके दिखाया जो दुनिया में हो ही नहीं सकता, जो दुनिया में हो नहीं सकता वो करके दिखाया। क्या करके दिखाया? मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी तीन श्याम प्रेमी बैठे थे, तालियां बजाइएगा, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि बाबा के दरबार से क्या मिला। एक ने कहा मेरी नाव में पतवार नहीं थी फिर भी किनारे लग गई। अरे मेरे पेट पे लात मत मारो। एक ने कहा मेरे पास पतवार नहीं थी फिर भी मेरी नाव किनारे लग गई। तालियां बजाना ना प्रेम। दूसरे ने कहा मेरी नाव में सैकड़ों छेद थे, पानी घुस रहा था फिर भी नाव नहीं डूबने दी, किनारे लगा दी। तीसरा चुपचाप बैठा था। दोनों ने उसके तरफ देखा, कहा तेरे साथ कुछ नहीं हुआ? उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा पगले तुम दोनों के नाव किसी तरह भी पार लगी, लेकिन चली तो पानी में ना, तुम दोनों की नाव किसी भी तरह पार लगी लेकिन चली तो पानी में, मेरी नाव तो कीचड़ में फंस गई थी, दलदल में फंस गई थी, वो भी इसने खींच के पार कर दी। है इन दरबार में ऐसा कोई जिसकी नाव कीचड़ से निकाली हो बाबा ने? कौन कौन ऐसा है जिसकी नाव कीचड़ से निकाली हो बाबा ने? मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, किसी और के अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और के अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रस्ते सुनसान आते हैं, मैं डरता नहीं रस्ते सुनसान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते। किसके किसके आता है काम, किसके किसके, ये मिलकर एक साथ ये पूरी तालियां बजाकर, एक दो तीन चार, बोल हारे के सहारे की। कर दी तेरे हवाले, जाने तू खाटवाले, भैया तेरे हवाले, जाने तू खा।
कल तीनों से प्यार करे। बोलो बोलो। ये बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करे, हर भक्तों का कहना, हर भक्तों का कहना ये मान जाते हैं, हर भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़का हम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़का। ये भजन क्यों गाया पता है? क्योंकि यहां सब कैटेगरी बैठी होगी, यहां हजार हजार करोड़ वाले भी होंगे, एक करोड़ वाले भी होंगे, दस बीस लाख वाले भी होंगे, और 100% ऐसे भी होंगे जो 5-7-10 हजार की नौकरी करते हैं महीने की। पता है प्रेमियों, दुनिया में ऐसे भाई मिलेंगे, दुनिया में आपको ऐसे भाई मिलेंगे जिनका सगा भाई रोटियों को तरस रहा है, लेकिन वो दोस्तों के ऊपर में, उसका भाई जिसके पास सब कुछ है दोस्तों के ऊपर में लाखों लुटा रहे हैं, ऐसे मिलेंगे। लेकिन जिस सेठ की सर्विलियंस में आप बैठे हो ना, इस सेठ के दरबार में आने के बाद में, इस सेठ के दरबार में आने के बाद में दुनिया की नजर में कैटेगरी अलग होगी कि ये VVIP, ये VIP और ये ओनली ऑर्डिनरी है। लेकिन श्याम की नजरों में आप कितनी ही बैरक के बाद में बैठे हो, कसम खाटू वाले की, श्याम की नजरों के अंदर में जो दिल से बोलेगा ना बाबा तू मेरा है, वही मेरे बाबा का सबसे बड़ा VIP होगा प्रेमियों। इसलिए आपको ये भजन इसलिए सुनाया, ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करे। ये जो पटका मुझे पहनाया गया ना, मैं इसके काबिल नहीं हूं, नहीं था मैं। मेरे हालात, अगर कोई 10,000 की नौकरी कर रहा है, मेरे हालात उससे भी बदतर थे। बस कृपा यही हो गई कि मुझे भी श्याम का दरबार मिल गया, मुझे भी किसी ने खाटू वाले के बारे में बताया कि चल खाटू वाले के दरबार में तेरा जीवन संवर जाएगा, और पिछले जन्म का कोई एक कर्म काम आ गया जो मैंने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और इसके दरबार में जाकर बैठ गया। उस दिन के बाद से पिछले 35 सालों के अंदर में, उस दिन के बाद से पिछले 35 सालों के अंदर में कभी सीढ़ी नीचे नहीं उतारी श्याम ने, हमेशा एक एक सीढ़ी चढ़ाता चला गया। आप में से कोई भी दीन है ना, कोई भी दीन है तो सुन लेना प्रेमियों, ये करोड़पतियों की बदौलत में दीनानाथ नहीं है। अगर आप में से कोई दीन है तो आपकी बदौलत इसका नाम दीनानाथ है प्रेमियों। अगर कोई गरीब है तो उस गरीब की वजह से इसका नाम गरीब नवाज है प्रेमियों। इस दरबार में आए होगे तड़पते हुए, लेकिन मैं आपको दिल से विश्वास दिलाकर कहता हूं, इस दरबार के अंदर में भजन के माध्यम से आप अर्जी लगा देना, यहां से जाने के बाद भी तड़पोगे, लेकिन अब मुफलिसी के लिए नहीं तड़पोगे, अब तड़पोगे तो इसके प्रेम में तड़पोगे और इसके मिलन से तड़पोगे, और इसके मिलन की जो प्रेम दिल में आग लगेगी ना, उस आग में तड़पोगे कि आज मुझे श्याम मिल गया, और श्याम के हमेशा नजदीक आते जाओगे। जो आना चाहते हैं एक बार पूरी ताकत लगाकर जयकार बोल खाटू नरेश की।